हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलका बिल्किस से निकाह करना चाहा, लेकिन मलका बिल्किस की वालदा एक जिनिया थी। उस मलका बिल्किस की पिंडली घोड़े जैसी थी। जब मलका हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की सल्तनत में आई तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने देखना चाहा कि उनकी पिंडली जानवर जैसी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्ने अब्बास से रिवायत है कि आप फरमाते हैं, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जब तख्त पर बैठते थे तो आप अलैहिस्सलाम के पास की कुर्सियों पर इंसान बैठते और उसके पास वाली कुर्सियों पर जिन बैठते थे, जिनके बाद शयातीन बैठते। फिर हवा उस तख्त को ले उड़ती और मौलिक थमा देती। फिर परिंद आकर अपने परों से साया कर लेते। फिर आप हवा को हुक्म देते और वो प्रवास करके सुबह सुबह महीने भर के फासले पर पहुंचा देती। इस तरह शाम को महीने भर की दूरी तय होती थी। एक मर्तबा उसी तरह आप जा रहे थे, परिंदों की देखभाल जो की तो हुदहुद को गालिब पाया। बड़े नाराज हुए और फरमाया, चंद घंटे में मुझे नजर नहीं पड़ता या सच्ची मुच्ची में गैर हाजिर है। अगर वाकई वो गैर हाजिर है तो मैं उसे सख्त सजा दूंगा, बल्कि ज़िबह कर दूंगा। हाँ, ये और बात है कि वो गैर हाजिरी की कोई माकूल वजह बयान कर दे। ऐसे मौके पर आप परिंदों के पर नुचवा कर जमीन पर डलवा देते थे, कीड़े मकोड़े खा जाते। इतने में अचानक हुदहुद आ गया। परिंदों ने कहा कि आज तेरी खैर नहीं, बादशाह सलामत तेरी सजा तय कर चुके हैं। उसने कहा, ये बताओ कि उनके अल्फाज क्या थे। उन्होंने बयान किए तो हुदहुद खुश होकर कहने लगा कि फिर मैं बच जाऊंगा। चुनाचे हुदहुद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में पेश हुआ और कहने लगा, ए नबी अल्लाह, मैं एक ऐसी खबर लेकर आया हूँ जो आपके पास भी नहीं है। मैं अरब से आ रहा हूँ और पुख्ता यकीनी से खबर लाया हूँ। उसकी बादशाही एक औरत को मैंने करते हुए पाया। उसके वजीर और मुशीर 312 शख्स हैं और उनमें से हर शख्स के मातहत 12,000 की जुमियत है। उसकी ज़मीन का नाम मादब है। ये सफ़ा से 3 मील के फासले पर है। दुनियावी हर किस्म की ज़रूरत उसे मुहैया है। उसका नहायत शानदार किस्म का तख्त है जिस पर वो जुलूस करती है, सोने से तंदा हुआ, और ये 80 हाथ ऊंचा और 40 हाथ चौड़ा है। और 600 औरतें हर वक्त उसकी खिदमत में कमर बस्ता रहती हैं। उसका दीवान खास जिसमें तख्त है बहुत बड़ा महल है, बुलंदो बाला और कुशादा। सब लोग आफ्ताब परस्त हैं, खुदा परस्त कोई नहीं। मलका का नाम बिल्किस बिनत शराहमील है। उसका दादा पूरे यमन का बादशाह अजीम था, जिसकी औलाद में 40 लड़के पैदा हुए जो सब के सब बादशाह बने। उसके वालिद ने एक जिनिया औरत से निकाह कर लिया था। उसके बतन से बिल्किस पैदा हुई। जिनिया से निकाह मुख्तलिफ वजूहात बयान की गई हैं। एक ये कि अपनी हुकूमत और सल्तनत के गुरूर वाले लोगों से कहता कि तुम में मेरे लायक कोई नहीं। उसका नतीजा ये हुआ कि लोगों ने उसका निकाह एक जिनिया से करा दिया। सुलेमान अलैहिस्सलाम हुदहुद का मलका बिल्किस और उसकी कौम के मुतालिक बयान सुनकर कहने लगे कि मुझे ये मालूम करना होगा कि तू सच कह रहा है कि झूठ बोल रहा है। मेरे इस खत को ले जाकर मलका बिल्किस को दे दो और फिर उनके पास से हट कर दे कि वो क्या जवाब देती है। हुदहुद उस खत को अपनी चोंच में दबा कर मलका बिल्किस के महल में पहुंच गया। मलका उस वक्त खलवत खाना में थी। हुदहुद ने निहायत खामोशी और एहतियात के साथ खत उसके सामने इस तरह डाला कि वो जान ना पाए कि हुदहुद कहाँ से आया। मलका अपनी गोद में पड़े खत को देखकर मोहतात हो गई और खौफजदा भी, लेकिन इतना अंदाजा जरूर हो गया कि ये कोई आम खत नहीं है, मुअज्जिज मुकर्रम है। इस पर मोहर भी लगी हुई है। उस खत में खत लिखने की तमाम उसूल बढ़ते गए। खत लिखने के लिए पहली शर्त ये होती है कि खत का आगाज ही उस तरह हो कि खत लिखने वाले का नाम, पता, मकतूब इलाई के इल्म में आ जाए कि किसने खत लिखा है। एक अहम बात कि खत का आगाज अल्लाह ताला के पाक और बाबरकत नाम से किया जाए। कहा जाता है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से पहले किसी ने खत में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं लिखी। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक मरतबा मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुमरा जा रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं एक ऐसी आयत जानता हूँ जो मुझसे पहले सुलेमान दाऊद अलैहिस्सलाम के बाद नबी पर नहीं उतरी। मैंने इस्तफसार किया, वो कौन सी आयत है। आपने फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खत मुख्तसर लेकिन बलीग अंदाज में तहरीर किया गया था। खत से शाहाना अंदाज ही नहीं
पैगंबराना शान भी जाहिर होती थी। बिस्मिल्लाह से इब्तदा उस अमर की तरफ इशारा था कि सरकशी छोड़कर एक अल्लाह की इबादत करो। ये किसी बादशाही का नहीं बल्कि पैगंबर का दावतनामा है, एक अल्लाह की इबादत करो। मलका अकलमंद थी, मामलात को किस तरह तय किया जाए बखूबी जानती थी। वो बाइख्तियार भी थी, उसका फैसला उसके अहले दरबार के लिए रद्द करना मुमकिन न था। फिर भी उसने मसलिहतन अपना फैसला सुनाने की बजाय अहले दरबार से मशवरा जरूरी जाना। चुनाचे अपने तमाम सरदारों को दरबार में हाजिर होने का हुक्म दिया और कहा कि इस सरदारी में मेरी तरफ एक बहुत ही अहम और वक्त वाला खत डाला गया है, जिसमें मुसलमान होने और ताबे फरमान बनने की दावत दी गई है। तुम सब जानते हो कि मैं कोई फैसला तुम्हारे बगैर नहीं करती, राय दो कि हमें क्या करना चाहिए। तमाम अहले दरबार ने जवाब दिया, हमारे पास ताकत और कुव्वत की कमी नहीं, असला और सामान हर भी वाफिर मकदार में मौजूद है। हम बहादुर और शुजा भी हैं, मैदानी जंग में निहायत जुर्रत और मर्दी के साथ लड़ते हैं, इसीलिए हमें खौफ जदा होने की, झुकने की जरूरत नहीं। हमारी ताकत मुस्लिम है, हम हर किस्म के मुकाबले के लिए तैयार हैं। अब जो आपका हुक्म हो हम आपके फर्माबरदार हैं। मलका बिल्किस खुद से अंदाजा कर चुकी थी कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने उसके लश्कर की कोई हैसियत नहीं, अगर जंग की नौबत आई तो तबाही और बर्बादी के सिवा कुछ हाथ ना आएगा। उसने अपने सरदारों से कहा, जब बैरूनी हमला आवर किसी बस्ती पर हमला करते हैं उसे उजाड़ के रख देते हैं, वहाँ के बाइज्जत लोगों को जलील करते हैं। अपना रोबो दबदबा और शान शौकत कायम करने के लिए हर तदबीर की जाती है, कत्लो गारत गरी की इंतहा कर दी जाती है, खेतियां जला दी जाती हैं, गिरवियान कर दिए जाते हैं, रियाया को मफलूज कर दिया जाता है, सिपाहियों को कैदी बना लिया जाता है। क्यों ना कोशिश की जाए कि इस अमल से बचा जाए। इसका तरीका यूं निकला कि फैसला किया गया हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में दिए और तोहफे भेजे जाएं, पर मलका का मकसूद ये भी था कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की आजमाइश भी हो जाए। अगर वो तहाइफ लेकर राजी हो गए तो इस अमर की अलामत होगी कि वो एक बादशाह है और उनसे मुकाबला करने के लिए दुनियावी वसाइल काम दे सकेंगे, और अगर वो वाकई नबी हैं तो उनके तहाइफ उनके नज़दीक कोई अहमियत ना होगी। उनका हदिया कबूल ना करना इस अमर की तरफ इशारा होगा कि हमें भी अताअत किए बगैर चारा नहीं। मलका ने तहाइफ तैयार करवाए, उन तहाइफ की तफसील मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ दर्ज किए गए हैं। इसराइली रिवायत के मुताबिक सोने की ईंटें, जवाहरात, कीमती बर्तन थे। बाज रिवायत में है कि 100 गुलाम और 100 कनीजें भी थीं। कनीज मर्दाना और गुलाम जनाना लिबास में मलबूस थे। मतलूब उसे ये था कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की आसमाइश की जाए, अगर वो पहचान लेते हैं तो नबी हैं वरना महज एक बादशाह। जब ये तहाइफ मलका बिल्किस के कासिद लेकर आप अलैहिस्सलाम की खिदमत में पहुंचे तो आप अलैहिस्सलाम ने तमाम मेहमानों को वजू करके ताज़ा दम होने के लिए कहा। लड़कियों ने बर्तन से पानी बहाकर हाथ धोए, जबकि लड़कों ने बर्तन में हाथ डालकर पानी लिया। यूं आप पहचान गए कि अव्वल जिक्र लड़कियों और सानी जिक्र लड़के हैं। एक रिवायत ये भी है, एक गिरोह ने कोहनियों से हाथ धोना शुरू किया और उंगलियों तक आया, जबकि दूसरे गिरोह ने उंगलियों से शुरू होकर कोहनियों तक हाथ धोए। बहरहाल हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दोनों को अलग अलग पहचान लिया। इसराइली रिवायत के मुताबिक मलका बिल्किस ने अपनी हतमी चंद आजमाइश सवालात भी किए, जिनमें से एक ये भी था कि मलका ने एक बर्तन भी भेजा जिसके लिए फरमाइश थी कि उसे ऐसे पानी से भरा जाए जो जमीन का हो ना आसमान का। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसकी फरमाइश यूं पूरी की कि उनके पसीने के कतरे उस बर्तन में जमा करवा दिए। मलका बिल्किस ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए कुछ और भी आजमाइश तैयार की थी। अपने गुलामों से कहा था, ये एक मोती जिसमें सुराख नहीं है उनकी खिदमत में पेश करना कि उसमें जिन और इंसानों की मदद किए बगैर धागा डाल दे। दूसरे मोती में सुराख टेढ़ा है, उसमें भी धागा डालना नामुमकिन है, उन्हें कहना इसमें भी धागा डाल कर दिखाएं। अगर वो इन सवालों को अहमकाना या नामुमकिन समझकर गुस्से में आ गया तो वो एक आम बादशाह है। अगर उसका रवैया मोहतमिल और खुशगवार रहा तो जान लेना कि वो मामूली बादशाह नहीं बल्कि नबी हैं। फिर उसकी बात तवज्जो से सुनना। कासिद हाजिर हुआ, आपने डिबिया तलब की। उसने कहा, खोलने से पहले बताइए इसमें क्या है। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने मदद की। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, एक मोती बगैर सुराख के, एक मोती टेढ़े सुराख वाला, इन दोनों में धागा डाल दो। आपने अपने दरबारियों से फरमाया, मोती में सुराख कौन करेगा।
दीमक ने काम अपने जिम्मे लिया, अपने मुंह में एक बाल लिया और मोती में एक सिरे से दाखिल होकर दूसरे से निकल आया। आप अलैहिस्सलाम ने दीमक से खुश होकर फरमाया, तुम्हें कोई हाजत हो तो बयान करो। उसने कहा, ए नबी अलैहिस्सलाम, मेरा रिस्क दरख्तों में कर दें। आप अलैहिस्सलाम ने उसकी फरमाइश पूरी की। फिर आपने टेढ़े सुराख वाले मोती को सामने रखा और कहा, इसमें धागा कौन डालेगा? सफ़ेद कीड़े ने बढ़कर कहा, मैं ये काम करूंगा। उसने धागा अपने मुंह में लिया और एक तरफ से जाकर दूसरी तरफ से निकल आया। आप अलैहिस्सलाम ने उस कीड़े से उसकी हाजत पूछी, अल्लाह के नबी, मेरा रिस्क फलों में रख दो। उसकी फरमाइश भी रहती दुनिया तक पूरी कर दी गई। कासिद तो उससे पहले ही आपसे मरऊब हो चुके थे। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कासिदों के इस्तकबाल के लिए दरबार से कोई 30 मील की मसाफत में सोने चांदी की ईंटों की फर्श बनाने का हुक्म दिया, रास्ते में दोनों तरफ अजीब खलकत जानवरों को खड़ा कर दिया, दरबार को भी असर नो तरतीब दिया। अपने तख्त के दाएं बाएं 4000 सोने की कुर्सियां, एक तरफ उलेमा और दानिश्वरों के लिए, दूसरी जानिब वुजरा और उलमाए सल्तनत के लिए बिछा दी गई। चुनाचे जब कासिद आए तो उन्होंने सोने की ईंटों पर जानवरों को खड़ा देखा। आगे आगे तेमरों की कितारें थी, फिर जिन्नात की सफ़े थी और रस्ते में ही हैरत ज़दा हो गए थे। दरबार पहुंचे तो वहां की शान और शौकत देखकर दंग रह गए। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई तो शाहाना बादशाह होने के बावजूद आप अलैहिस्सलाम खंदा पेशानी से पेश आए। कासिदों ने बेश कीमत तहाइफ नजर की तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या तुम नहीं देख रहे कि अल्लाह ताला ने मुझे हर चीज से नवाजा है? ये माल और दौलत मेरे लिए बेमायनी है तो मुझे ये बेवक्त और मामूली तहाइफ दे रहे हो, जबकि अल्लाह ताला ने मुझे नबूवत से सरफराज किया है। फिर जिन्नों, परिंदों और हवाओं को मेरे लिए मस्खर किया। मेरी बादशाहत की शान और शौकत तुम देख ही रहे हो। इस दुनियावी साजो सामान की मेरे नजदीक कोई हैसियत नहीं। तुम अपने ये तहाइफ वापस ले जाओ और एक खतरनाक अंजाम का इंतजार करो। मैं इंसानों की ही नहीं बल्कि जिन और परिंदों की फौज लेकर हमला आवर होऊंगा, जिनका तुम मुकाबला न कर पाओगे। तुम अपने हदीये पर फख्र करो और इससे अपने हुमरा लेकर लौट जाओ। कासिद हैरान और परेशान होकर वापस हुआ। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार के अहवाल के अलावा उनके ऐलान जंग भी मलका को सुनाया। मलका जान गई कि वो बादशाह के अलावा नबी भी हैं और अल्लाह के नबी और रसूल से लड़ना गोया अल्लाह से मुकाबला करना है, जिसकी जुर्रत हम में नहीं। मलका ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में हाजिरी देने का फैसला किया। कहा जाता है कि उसने 12,000 सरदार मुंतखब किए, जिनके तहत 1,00,000 सिपाही थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दूर से कोई बाहर उठता हुआ देखा तो जान गए कि मलका बिल्कीस अपने सिपाहियों के साथ आ रही हैं और मती होकर आ रही हैं। उस वक्त वो महल से 3 मील के फासले पर थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सोचा कि वो मेरे दरबार की शान और शौकत के साथ साथ पैगंबराना मौजज़ा भी देख लें, इसलिए आपने अपनी उस मजलिस में कहा जहां आप सुबह से दोपहर तक मुकदमात का फैसला किया करते थे और जहाँ जिन्नो इंस सभी शरीक हुआ करते थे, फरमाया कि क्या मलका बिल्कीस का तख्त, जिसकी बेश कीमत और नादिर होने की बहुत शोहरत है, मलका के मेरे दरबार में पहुँचने से पहले कोई यहाँ ला सकता है? क्योंकि जब वो यहाँ आ जाएगी, ईमान ले आएगी, फिर उसका माल हम पर हराम हो जाएगा। बहरहाल एक ताकतवर और सरकश जिन जो एक बड़े पहाड़ जितनी जसामत रखता था, वो बोल पड़ा कि अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं आपका दरबार बर्खास्त करने से पहले उस तख्त को उठाकर यहाँ ला सकता हूँ। फिर आप जानते हैं कि मैं बहुत ही अमानतदार हूँ और ज़खीरा जवाहरात से मुज़य्यन तख्त से कोई चीज़ चुराऊँगा नहीं। जाहिर है कि जिन इंसानों के मुकाबले में गैर मामूली कुव्वतें रखता है, किसी इंसान के लिए मुमकिन नहीं कि वो बैतुल मुकद्दस से मगरबी यमन जाए और 1,500 मील का फासला 2-4 घंटों में तय करके तख्त यहाँ पहुँचाए। और तख्त भी कोई आम मामूली नहीं, नहायत वसी व अरीज और वजनी, जिससे उठाना फर्द वाहिद के बस की बात नहीं। और फिर तख्त भी वो जो मलका ने सबसे ज्यादा हिफाजत के साथ शाही महल्लात के वस्त में एक महफूज महल में फल कर रखा था, जहां खुद उसके लोगों की रसाई मुमकिन न थी। मजलिस से शूरा में मौजूद एक शख्स बोल उठा, ये वो शख्स था जिसे किताब का इल्म अता किया गया। आपकी पलक झपकने से बेशतर मैं चाहता हूं कि आपकी खिदमत में हाजिरी कर सकता हूं। यहां चंद सवालात जहन में पैदा होते हैं कि ये कौन शख्स था, किताब कौन सी थी, इल्म क्या था। बाज़ अफराद का ख्याल है कि ये खुद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम थे कि अल्लाह ताला ने उन्हें इल्म से नवाजा था और वो मौजज़ा दिखा सकते थे। बाज़ मकामात पर उसे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का मकरब सहाबी बताया गया है। उसका नाम आसिफ बिन बाकिया दर्ज है, जो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वजीर थे
और नस्ल इंसानी से ताल्लुक़ रखते थे। इब्ने अब्बास के मुताबिक आप हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के कातिब थे, आपके खालाजाद थे, वलीउल्लाह थे और इस्म आज़म जानते थे। किताब के इल्म से मुराद गालिबन इस्म आज़म का इल्म है, यानी तौरात और बाज के नज़दीक इस इल्म से मुराद दरबारी रजिस्टर और सरकारी दफ्तर। मुराद यानी आसिफ बरखिया को हिदाया के दफ्तर की अमीन होने की वजह से इल्म हासिल था। वो तख्त महल के किसी हिस्से में महफूज हैं। ये बात अलबत्ता हो सकती है कि अल्लाह ने उन्हें करामत बख्शी थी कि जिसके सबब उन्होंने जिन के मुख्तसर मोहलत को भी तवील जाना और कहा कि मैं पलक झपकने से पहले तख्त हासिल कर सकता हूँ। चुनाचे लम्हा भर बाद ही हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तख्त अपने सामने मौजूद पाया। तमाम अहले दरबार हैरत ज़दा रह गए। कहा जाता है जिस कुर्सी पर पांव रख कर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम तख्त शाही पर चढ़े थे उसके नीचे से बिल्कीस का तख्त निकल आया, तो आपने फरमाया ये मेरे रब का फजल है जो मुझे आजमाना चाहता है कि मैं शुक्रगुजारी करता हूँ या बेपरवाह रहता हूँ। लम्हा भर में तख्त की यहाँ मौजूदगी में मेरा ये आसिफ बल्खिया का कोई कमाल नहीं, ये सब उसी की अता है। बहरहाल तख्त पहुँच गया। आप अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया उस तख्त की हालत थोड़ी बहुत तब्दील कर दी जाए, कुछ हीरे जवाहरात बदल दो, रंग और रोगन तब्दील कर दो, ताकि जब वो यहाँ पहुँचे तो देखा जाए कि आया वो अपने तख्त को पहचानती है, इस बात से आगाह होती है कि नहीं ये तख्त उसी का है, यानी इतना बड़ा मुआजा देखकर और राह हिदायत पाती है या नहीं। मलका बिल्किस दरबार सुलेमान में हाजिर हुई। वो अपनी तरफ से बड़ी शान शौकत और फख्र और नाज के साथ ऊँटों के काफले के साथ जिस पर अहद व अंबर खुशबू लदी थी बहुत सोना हीरे जवाहरात लेकर यरूशलेम आई थी। जब वो यहाँ पहुँची तो यकीनन यमन के लिए हैरान कुन था। उसके सामने मौजूद तख्त थोड़ी बहुत तब्दीलियों के साथ उसका अपना था। यहाँ कैसे आ गया, कहाँ यरूशलेम, कहाँ सबा का इलाका, उसका महल, उसके मुहाफिज और कहाँ खड़े पहरेदार, उसका तख्त, ये कैसे मुमकिन है। शदीद पहरे के बावजूद तख्त यहाँ बैतुल मुकद्दस में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की दारुल सल्तनत में, इसे यहाँ कौन ला सकता है। वो अभी शशोपंच में मुब्तला थी कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सवाल किया, क्या तेरा तख्त भी ऐसा ही है। मलका बिल्किस वाज़े जवाब देने की कुदरत न रखती थी, मुबहम अंदाज में बोली, गोया ये वही दाऊद थे, यानी इनकार किया ना इकरार, मोहताज जवाब दे दिया। और यूं गोया हुई कि हम तो इस करामत से पहले ही आपकी नबुवत के कायल हो चुके थे, और वो जो मुश्किल सवालात के जवाबात के हुसूल के लिए आई थी वो बात उसे अता की गई। एक सवाल ये भी था कि अल्लाह ताला का रंग कैसा है। ये ऐसा सवाल था कि आप सजदे में गिर पड़े और खुदा ताला से फरियाद की कि उसने ऐसा सवाल पूछ लिया है कि जिसका जवाब मैं तुझसे दरियाफ्त करने की जुर्रत नहीं पाता। अल्लाह ताला ने फरमाया कि बेफिक्र हो जाओ, तुम्हारा मसला हल हो चुका है। आप अलैहिस्सलाम सजदे से उठे तो आप अलैहिस्सलाम ने पूछा कि तुमने क्या सवाल किया था। सभी सवाल फरामोश कर चुके थे। अब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सोचा कि नबुवत के मौजज़े तो वो देख चुकी है, अब इसे ज़ाहिरी सल्तनत और जाह जलाल भी दिखाया जाए। मलका बिल्किस सबा की आमद की खबर सुनकर आप जिन्नों को एक ऐसे महल की तामीर का हुक्म दे चुके थे जो सिर्फ और सिर्फ कांच का था और उसके नीचे पानी से लबालब होज थे। शीशा बहुत ही साफ शफाफ था, आने वाला शीशे का इम्तियाज नहीं कर सकता, बल्कि उसे ऐसे ही मालूम होता कि पानी ही पानी है, हालांकि उसके ऊपर शीशे का फर्श है। बाज लोगों का बयान है कि सुन्नत से गर्ज आप अलैहिस्सलाम की ये थी कि आप उससे निकाह करना चाहते थे, लेकिन ये सुना था कि उसकी पिंडलियाँ बहुत ख़राब हैं, उसके टखने चौपायों के घोड़ों जैसे हैं। उसकी तहकीक के लिए आपने ऐसा किया था। जब वो यहाँ आने लगी तो पानी के हौज को देखकर अपने पांचे उठाए। आप अलैहिस्सलाम ने देख लिया जो बात मुझे पहुँचाई गई है गलत है, उसकी पिंडलियाँ और पैर बिल्कुल इंसानों जैसे ही हैं, कोई नई बात या बदसूरती नहीं। चूँकि बेनिकाह थी पिंडलियों पर बाल बड़े बड़े थे, आपने उस तरह से मुंडवा डालने का मशवरा दिया, लेकिन उसने कहा इसकी बर्दाश्त मुझसे ना हो सकेगी। आपने जिन्नों से कहा कि कोई और चीज़ बनाओ जिससे बाल जाते रहें, और जिन्नों ने हड़ताल पेश की। ये दवा सबसे पहले हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म से ही तलाश की गई थी। मलका ने इस हुक्म को, उसके दस्तरखान की नेमतों को, उसकी मुलाजिमों को, वहशत तेवर और जिन्नों इंस की अतात और फरमाबरदारी को, और आप अलैहिस्सलाम की हिकमत और नबूवत के करिश्मों को देखा, उसके होश आते रहे। उसने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की ये शान और शौकत देखी तो अपना महल, अपनी सल्तनत उसे हेच नज़र आने लगी। अपना वो महल जो नहायत वसी व अरीज़ फ़न व तामीर का नादिर नमूना था नज़र आने लगा। उस महल के मगरबी और मशरकी हिस्से में 360 और हर तरह के
उस अंदाज से बनाया गया था कि हर रोज एक ताक से सूरज तुलू होता और मगरिब उसके ऐन सामने के ताक से गुरूब होता और दूसरे दिन उससे अगले ताक से शुरू होता और मगरिब सिमत अगले ताक में गुरूब होता। चढ़ते डूबते सूरज की प्रस्तिश उनका मजहब था। वो अपने महल को दुनिया के अजायबात में शुमार करती रही, लेकिन यहाँ जो कुछ उसने देखा तो कहने पर मजबूर हो गई कि वो सच्ची खबर थी जो मैंने तेरे कामों और तेरी हिकमत के बारे में अपने मुल्क में सुनी थी। मैंने उन पर भी यकीन न किया था जब तक कि मैंने यहाँ आकर खुद न देख लिया, बल्कि मुझे तो आधा भी नहीं बताया गया। तेरी शान व अजमत तो उससे कहीं ज्यादा है जो मुझे मालूम हुई। मलका बिल्किस ये सब्ज़ जहानत व फदानत में बेमिसाल थी। वो जान चुकी थी इस शान व शौकत का इजहार सिर्फ इसलिए नहीं कि उसकी अताअत की जाए, बल्कि इस मौजाना कुदरत का इजहार उस अमर की जानब इशारा है, इस हस्ती की तरफ बुलावा है कि जो हर चीज पर कादिर है। यूं वो अपने शिर्क पर नादिम हुई और इकरार किया कि मैंने अपने आप पर जुल्म किया और मैं हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और आपके रब की फरमाबरदार उम्मती होती हूँ। वाज़ह रहे कि उस दौर में आम रिवाज था कि बादशाह का मजहब अवाम का मजहब होता था, इसलिए मलका बिल्किस के ईमान लाने के साथ ही उसकी पूरी कौम भी मुमकिन है कि ईमान ले आई। मलका बिल्किस की ईमान लाने के वाक्य के बाद की तफसील कुरान पाक में मौजूद नहीं। मुख्तलिफ रिवायत तफासीर इसराइली रिवायत में रकम है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलका बिल्किस से निकाह कर लिया था, लेकिन उसे उसके मुल्क पर बरकरार रखा था। चुनाचे उसका कयाम यमन में ही था। वहाँ अपनी मलका सबा को 3 शानदार महल तामीर करवा कर दिए थे। आप अलैहिस्सलाम हर माह 3 रोज वहाँ कयाम फरमाते। अहले हबशा मलका सबा और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की औलाद होने का दावा करते हैं। अल्लाह पाक हमें बेहतर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमें नेकोकारों में शामिल करे, आमीन। नाज़रीन कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करें।